Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. The students, our chapter chal raha hai, wo wind storms and cyclones topic. Cyclones. तो हम पहले देखते हैं cyclones क्या होता है ये होता क्या है. Cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low pressure. तो students क्या होता है जब low pressure air जो होता है जब low pressure air के around large mass of air with high pressure rotate करता है उसको cyclone बोलते हैं. मैं फिर से repeat करूँगी. जब low pressure air के around large mass of air with high pressure rotate करता है उसको cyclone बोलते हैं. है ठीक है. साइक्लोन आर यूजुअली फॉर्म्ड और सीज इन ट्रॉपिकल एरियाज नियर द इक्वेटर. तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है ये आपने पढ़ा होगा जो इक्वेटर इक्वेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा ठीक है. अब जो इक्वेटर होता है स्टूडेंट्स इक्वेटर के नज़दीक ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर ही ज़्यादा साइक्लोन्स क्रिएट हो जाते हैं ओशंस और सीज में ठीक है. अब स्टूडेंट्स ये साइक्लोन जो इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है इसकी कैसे फॉर्मेशन होती है वो हम देखते हैं. चलिए तो स्टूडेंट्स अब आपको पता है ये ओशंस और सीज में जो पानी होता है वो बहुत होता है बहुत पानी होता है उसमें ठीक है ना. तो सनलाइट उस पानी पे पड़ती रहती है ठीक है. तो सन की जो हीट होती है स्टूडेंट्स सन की हीट से जो ओशंस और सीज जो है सन की हीट से स्टूडेंट्स सन की हीट से जो ओशंस और सीज होते हैं उसका पानी जो होता है ना वो सन की हीट क्या करता है एब्जॉर्ब करता है ठीक है ना. सन की हीट से क्या होता है सन की हीट से वाटर जो होता है फिर इवेपोरेट हो जाता है ठीक है. तो और ये ओशंस और सीज के ऊपर जो एयर होती है ना स्टूडेंट्स ये जो ओशंस और सीज के ऊपर एयर होता है वो वार्म होता है ठीक है ना और राइज होता है. मैंने आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है जब एयर वार्म होती है वो हल्की होती है और राइज अप हो जाती है. तो क्या होता है वो जो एयर होता है वो वार्म होता है और राइज हो जाता है राइज अप हो जाता है. तब वो ऊपर क्या होता है ऊपर चढ़ जाता है. तो ऊपर आपको पता है स्टूडेंट्स ऊपर क्या होता है एटमोसफेयर का जो एयर होता है सॉरी एटमोसफेयर जो होता है वो ठंडा होता है ठीक है ना कोल्ड होता है. तो वो वार्म एयर जो होता है वो जब ऊपर चढ़ता है तो कोल्ड एटमॉस्फेयर के साथ स्ट्राइक होता है और कंडेंस होता है वहाँ क्या होता है क्लाउड्स बन जाते हैं. तो स्टूडेंट्स जैसे कि नीचे क्या हुआ नीचे क्या हुआ ये जो वाटर था ना स्टूडेंट्स ये इसने क्या किया इसने हीट एब्जॉर्ब की तो इवेपोरेशन हो गई कि नहीं यानी वाटर वाटर किस में कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर्स में. वैसे ही ऊपर जब कंडेंसेशन होती है तो हीट क्या होती है रिलीज होती है हीट क्या होती है रिलीज होती है ठीक है ना. जब हीट रिलीज हो जाती है स्टूडेंट्स तो एटमॉस्फेयर क्या होता है जब हीट रिलीज हो जाती है तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो हो जाता है समझ गए ना. तो जब हीट जो होती है रिलीज हो जाती है तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो हो जाता है. ऐसे ही जब ज़्यादा हीट रिलीज हो गई तो ज़्यादा एयर ऊपर चढ़ने लगेगा ठीक है ना और ज़्यादा प्रेशर लो हो जाएगा ठीक है ना ज़्यादा प्रेशर लो हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स ऐसे ये प्रोसेस जो है रिपीट होती जा रही है यानी वार्म एयर ऊपर चढ़ जाता है ठीक है ना फिर क्या होता है फिर कंडेंसेशन होती है हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में क्या होता है एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो लो हो जाता है. ऐसे ही प्रेशर लो होता जा रहा है हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज होती जा रही है और फिर से एयर जो है वो ऊपर ऊपर चढ़ रहा है फिर से यही प्रोसेस रिपीट होती जा रही है ठीक है ना समझ गए ना आप इधर तक समझ गए गुड. तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ये जो एयर होता है ना स्टूडेंट्स ये एयर जो होता है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है. क्या ये जो एयर होता है स्टूडेंट्स ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है समझ गए ये आपको याद रखना है. अब जो साइक्लोन्स होते हैं स्टूडेंट्स अब जो ये साइक्लोन का सेंटर होता है स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे प्रेशर लो होता है ये भी आपको याद रखना है. अब जो साइक्लोन्स का जो सेंटर होता है वहाँ पे भी क्या होता है वहाँ पे प्रेशर लो होता है. ये जो स्टूडेंट्स ये एयर होता है ना ये हाई प्रेशर से मूव होके कहाँ टूवर्ड्स लो प्रेशर आ जाता है. अब यहाँ पे लो प्रेशर के रीजन में आने के बजाय अब यहाँ पे लो प्रेशर के रीजन में आने के बजाय यानी इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू द रीजन ऑफ लो प्रेशर ये क्या करता है ये हवा रोटेट करती है अराउंड द रीजन ऑफ लो प्रेशर समझ गए आप. अब यहाँ पे लो प्रेशर के रीजन में आने के बजाय क्या करता है इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू द रीजन ऑफ लो प्रेशर ये क्या करता है ये रोटेट करता है अराउंड द रीजन ऑफ लो
प्रेशर, ये आया समझ आपको, ये रोटेट करता है अराउंड द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं आ रही टूवर्ड्स द लो प्रेशर, ये क्यों रोटेट करती है इसके इर्द गिर्द, क्यों रोटेट करती है, ये क्यों नहीं आ रही है, ये क्यों नहीं आ रही है टूवर्ड्स द लो प्रेशर। ये ये किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है। आपने रोटेशन के बारे में सुना होगा ज्योग्राफी में, ये क्या होता है, ये ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये जो हवा आ रही है ना फ्रॉम हाई प्रेशर, इसका पाथ जो होता है ये डिविएट होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, ठीक है ना, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, ये डिविएट होता है। ठीक है ना, इसका पाथ जो होता है वो डिविएट होता है। ठीक है ना, और लो प्रेशर के रीजन में आने के बजाय ये क्या करता है, ये रोटेट करता है अराउंड इसके किसके लो प्रेशर के इर्द गिर्द, क्या करता है, रोटेट करता है विद हाई स्पीड। और इसी तरह क्या होता है, इसी तरह साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। समझ गए आप? तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको अच्छे से मतलब हाई स्टैंडर्ड में पढ़ना है। जब आप इंशाल्लाह हाई स्टैंडर्ड में जाओगे, फिलहाल मैंने आपको जो समझाया आज वो अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, इसका नेक्स्ट मतलब पार्ट हम कल पढ़ने जा रहे हैं, मतलब डिस्ट्रक्शंस वगैरह इससे क्या होते हैं। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।